आंख न देखे बाबरा, शब्द सुने नहीं कान, सिरके के सुज्वल भये अबहु निपट अजान। इन पागलों को स्वतः आंखों ये नहीं दिखता, ये ज्ञान के वचन भी अपने कानों से नहीं सुनते। सिर के केश उजले हो जाने पर भी बिल्कुल अज्ञानी बने हैं। क्यों खोवे नर तन वृथा, परे विषयन के साथ, पांव कुल्हाड़ी मार रहे मूर्ख अपने हाथ। विषयों की आसक्ति में पड़कर उत्तम नर तन को व्यर्थ में क्यों खोता है। मूर्ख ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। चेत सवेरे बाचरे, फिर पाछे पछता है, तो को जाना दूर है कहे कबीर बुझाए। कबीर साहेब समझा का कहते हैं कि ए पगले, शीघ्र ही सावधान हो जा, अन्यथा पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी तुम्हें लंबी यात्रा समाप्त करनी है, मतलब तुम्हें बहुत साधना करनी है। मूर्ख शब्द न माने, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजे जामे जम के द्वार। मूर्ख मनुष्य हितकारी वचन नहीं मानता, धर्म की बात न सुनता है न विचारता है, सार निर्णय को नहीं खोजता, कुवासना के द्वार ही में फंस कर 84 में जाता है। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। राज्य सिंहासन और संपत्ति पाकर तू अभिमान क्यों करता है, जो दशा पड़ोसी की हुई है वही अपने लिए समझ। समझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान। गुरु का शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान, समझाने से नहीं समझता अपने का ही बहुत अभिमान करता है। सदगुरु के निर्णय वचनों को काट कर कहता है, ये सब तो मैं जानता हूँ। ज्ञानी होए सो मान नहीं बूझे शब्द हमार, कहे कबीर सो बाँच है और सकल जमधार। जो समझदार होगा वही हमारे शब्द को समझेगा और मानेगा। गुरु कबीर कहते हैं, निर्णय वचन मानने वाले ही संसार सागर से बचेंगे, अन्य सब कुवासना की धारा में बहते रहेंगे। Call me a girl.